खबरनामा के प्रायोजक हैं मेरा सिनेमास, पहली मंजिल, पेंगुइन 4, हरदोई रोड, सीतापुर। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमास। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमास में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज। पहली मंजिल, पेंगुइन 4, हरदोई रोड, सीतापुर। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया में बबीता सिंह और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। और जहां आपको पता है कि आपकी आई इंडिया टीम अयोध्या पहुंच चुकी है, अयोध्या के दूसरे दिन का भी हाल आप देखते रहिए अपने चैनल पे। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे नगरपालिका सीतापुर के 2 दिन के कार्यक्रम में बॉलीवुड स्टाइल रामलीला का होगा आयोजन। और बात होगी सीतापुर पहुंचे जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ABVP के कार्यक्रम में की शिरकत। फिर बात करेंगे CDO निधि बंसल ने ब्लॉक सकरन का किया औचक निरीक्षण, मचा हड़कंप। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे 1 फरवरी को योगी की कैबिनेट जाएगी अयोध्या, करेगी रामलला के दर्शन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। भाजपा किसान मोर्चा ने घोषित किए जिला अध्यक्षों के नाम, लोकेश मिश्रा बने सीतापुर जिला अध्यक्ष। राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लिए डॉक्टर सुनील कुमार नियुक्त किए गए पर्यवेक्षक। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम के सामने पहुंचे 38 फरियादी, 7 को मिला न्याय। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत 561 जोड़ों ने थामा एक दूसरे का हाथ। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के तहत शहर में निकली जन जागरण शोभा यात्रा, नाम में हुआ शहर। लखीमपुर में दिखा प्राण प्रतिष्ठा का उल्लास, जगह जगह निकाली गई शोभा यात्रा, लगे जयकारे। पूर्व विधायक के बेटे ने निकाली शोभा यात्रा, बुलडोजर रहा आकर्षण का केंद्र। सपा ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों की तेज की, अखिलेश यादव ने लखनऊ कार्यालय पर की बैठक। खबरों की शुरुआत हम जनपद सीतापुर की खबरों से करेंगे। सीता की नगरी सीतापुर में श्री राम उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 21 जनवरी को सुबह 10 बजे से सरोजनी वाटिका में बच्चों के लिए निःशुल्क झूले आदि की व्यवस्था की जाएगी। कार्यक्रम के तहत शाम 5 बजे बॉलीवुड स्टाइल रामलीला का आयोजन किया जाएगा। 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का लाइव प्रसारण होगा। नगरपालिका श्री श्याम मित्र मंडल एवं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल द्वारा श्री राम जी का नगर भ्रमण कराया जाएगा। इसका शुभारंभ दोपहर 2 बजे से बड़े हनुमान मंदिर से होगा। इस विषय की जानकारी नगर पालिका चेयरमैन नेहा अवस्थी ने दी। उन्होंने बताया 21 और 22 जनवरी की शाम 4 बजे से भजन सम्राट ओमकार शंखधर के द्वारा भजन संध्या प्रस्तुत की जाएगी। शाम 8 बजे आतिशबाजी की जाएगी। इसके अलावा 300 बटुक, घंटा, घड़ियाल सहित रामशिला और अयोध्या से आई चरण उपाधि का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहेंगे। प्रदेश सरकार के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह शनिवार को सीतापुर के महमूदाबाद पहुंचे। इस दौरान मंत्री ने कई कार्यक्रमों में भाग लिया। सीता इंटर कॉलेज में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा, विद्यार्थियों को बेहतर शिक्षा ग्रहण करने के साथ ही जिम्मेदारी से अपना लक्ष्य तय करके उसे प्राप्त करना चाहिए। कॉलेज के टॉपर अनुभव शुक्ला को अतिथियों ने साइकिल देकर पुरस्कृत किया। कार्यक्रम में MLC पवन सिंह चौहान, भाजपा जिला अध्यक्ष राजेश शुक्ला, महामंत्री सुधीर सिंह, ABVP जिला संयोजक अमन अवस्थी, कुलदीप गुप्ता सहित विद्यार्थी परिषद के तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। विस्तृत खबर के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के जिला अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। भाजपा किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कामेश्वर सिंह ने 25 जनपदों के जिला अध्यक्षों के नाम घोषित किए हैं। सीतापुर से लोकेश मिश्रा भाजपा किसान मोर्चा का जिला अध्यक्ष घोषित किए गए हैं। इसके अलावा ब्रज क्षेत्र, अवध क्षेत्र और काशी क्षेत्र के जिला अध्यक्षों की घोषणा की गई है। SR ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में सॉफ्टो प्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एक कार्यशाला आयोजित की गई है। कार्यशाला में कई बिंदुओं पर चर्चा हुई है। इस कार्यशाला में विद्यार्थियों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्पीकर रोहित कुमार ने छात्रों को पाइथन सीखने के लिए आसान तरीके बताए। संस्थान के चेयरमैन MLC पवन सिंह चौहान ने छात्रों को प्रेरित किया। कार्यक्रम में अनिरुद्ध श्रीवास्तव, अक्षत पाठक, आकाश मौर्य, डॉक्टर DP सिंह आदि ने अपने विचार रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर 84 वर्षीय त्रिभुवन सिंह ने
जगत जननी माता मंदिर में साफ सफाई की। कसमंडा स्थित माता जी के मंदिर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई कर आम जनमानस को जागरूक किया। बता दें, त्रिभुवन सिंह पार्वती विद्या मंदिर जूनियर हाई स्कूल कसमंडा के प्रबंधक और श्री ओम प्रकाश सिंह फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं। धार्मिक नगरी नैमिषारण के ठाकुर नगर निवासी वीरू मिश्रा और उनके साथी कार्यकर्ताओं ने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर अनोखा कार्य किया है। नैमिषारण क्षेत्र के ठाकुर नगर, हड़रा, अजीपुर आदि गांवों में श्रीराम दरबार के चित्र और सुंदरकांड की पुस्तकें वितरित की। वीरू मिश्रा ने बताया, दशकों के से कठिन अंतराल के बाद ऐसा समय आया है जब प्रभु श्रीराम अपने नए घर में विराजमान होंगे। इस मौके पर अभिजीत मिश्रा, नीरज गौतम, अखिलेश राजवंशी, नीरज सक्सेना, दुर्गेश सैनी, आदित्य आदि मौजूद रहे। आरएमपी डिग्री कॉलेज के शिक्षक डॉक्टर सुनील कुमार को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। गुरुकाशी विश्वविद्यालय भटिंडा पंजाब में होने वाली राष्ट्रीय विश्वविद्यालय महिला कबड्डी चैंपियनशिप के लिए यह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। इस उपलब्धि के लिए आरएमपी कॉलेज प्रबंध समिति के अध्यक्ष कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर रजनीकांत श्रीवास्तव आदि ने बधाई दी है। बता दें, इस प्रतियोगिता में देश की कई कबड्डी टीमें प्रतिभाग करेंगी। आरपी चिल्ड्रंस हाई स्कूल के छात्र छात्राओं ने प्राण प्रतिष्ठा को समर्पित झांकियों से सजी शोभा यात्रा निकाली। यात्रा जेल रोड हनुमान मंदिर से लेकर लालबाग तक निकाली गई। यात्रा का नेतृत्व समाज सेवी आकाश राय ने किया। यात्रा से पहले प्रबंधक अनिल श्रीवास्तव, प्रधानाचार्य अर्चना श्रीवास्तव ने आरती उतारी। इसके बाद जय श्री राम के उद्घोष के बीच यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा में आरती त्रिपाठी, ज्योति पांडे, सचिन त्रिपाठी, शिव बालक त्रिवेदी, रत्नेश द्विवेदी, अशोक प्रजापति, राकेश सेठ, करुणेश पांडे, नवीन अग्रवाल सहित तमाम लोग शामिल रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के नेतृत्व में श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा शोभा यात्रा निकाली गई। यात्रा में कई विद्यालयों के छात्र छात्राएं शामिल हुए। यात्रा के दौरान जय श्री राम के उद्घोष नगर गुंजायमान हुआ। यात्रा में आरएसएस के जिला प्रचारक पंकज, विद्यार्थी परिषद के अनुराग तिवारी, विभाग प्रचारक अभिषेक, शिवम वर्मा, साक्षी शुक्ला, प्रधानाचार्य नीरज शुक्ला, डॉक्टर रूपचंद वर्मा सहित शिक्षक शिक्षिकाएं शामिल रहे। ब्लॉक सकरण क्षेत्र में गाजे बाजे के साथ राम भक्तों ने मोटरसाइकिल रैली निकाली। रैली के दौरान राम जी के जयकारों से क्षेत्र गुंजायमान उठा। रैली का नेतृत्व बिस्वा विधायक निर्मल वर्मा ने किया। ब्लॉक मुख्यालय सकरण से निकली रैली ने क्षेत्र में भ्रमण किया। रैली में मुख्य रूप से ब्लॉक प्रमुख कृष्ण कुमार वर्मा, ओम प्रताप सिंह, राजा राम निषाद, दीपू भार्गव, ज्ञानेन्द्र मिश्रा, रोहित मिश्रा, आदित्य अवस्थी, सुंदरलाल तिवारी, दीपू जायसवाल, अखिलेश मिश्रा सहित तमाम भक्त शामिल हुए। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर इकाई की तरफ से स्वामी विवेकानंद बैडमिंटन टूर्नामेंट का शुभारंभ तरणताल स्टेडियम में किया गया। शुभारंभ मुख्य अतिथि नगर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र बंगाली ने फीता काट कर किया। स्वामी विवेकानंद व माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्प अर्पित किए। विशिष्ट अतिथि विभाग संगठन मंत्री अजय प्रताप शुक्ला, दिव्यांश बंगाली, अलखकांत श्रीवास्तव, अनुराग मिश्रा, ऋषभ गुप्ता, प्रबल वाजपेयी, सत्यम वर्मा आदि मौजूद रहे। आयोजकों ने बताया, फाइनल मैच 21 जनवरी को खेला जाएगा। बरई जलालपुर क्षेत्र के शाहपुर गांव में आयोजित श्रीमद भागवत कथा में राम वन गमन की कथा सुनाई गई। कथाव्यास करुणेश मिश्रा ने और कई प्रसंग सुनाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। कथावाचक द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रसंगों को श्रोताओं ने खूब सराहा। कथा पंडाल में शुभम सिंह, विनय सिंह, अमरेंद्र सिंह, रत्नेश सिंह, तारा बाबा, कैलाश शुक्ला, बिरजू राठौर आदि मौजूद रहे। नगरपालिका परिषद लहरपुर में पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था अब और बेहतर होगी। दरअसल नगर के मोहल्ला बारादरी में बोरिंग का कार्य पूरा हो चुका है। चेयरमैन हाजी जावेद अहमद ने इसका निरीक्षण भी किया। उन्होंने बताया कि मोहल्लों में पानी की सप्लाई अब और अच्छी तरीके से होने लगेगी। इस मौके पर समीर राइन, सभासद फारूक रहमत अली, कांति आलम, नियाज, मोबिन खान, अफजल कुरैसी, शाहिद अली, बबलू अंसारी, मुफीद कुरैसी आदि मौजूद रहे। ब्लॉक बेहटा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रमुआपुर इटौरा के कोटेदार सुभाष वर्मा पर राशन न देने का आरोप है। कार्डधारकों का कहना है कि कोटेदार सुभाष वर्मा ने दिसंबर महीने में मशीन पर अंगूठा तो लगवा लिया था, लेकिन राशन नहीं दिया था। राशन पाने का इंतजार कोटेदार करते रहे। आरोप है कि पिछला राशन न देने के बाद भी कोटेदार ने जनवरी महीने में मशीन पर फिर से अंगूठा लगवा लेने का दबाव बनाया। इस पर कार्डधारकों ने अंगूठा लगाने से मना कर दिया। कार्डधारक किरण देवी, असरफीलाल, पूनम देवी, दुलारा देवी, सत्यम अवस्थी आदि का आरोप है। इस पर कोटेदार के साथियों ने उन्हें तमाम धमकियां दी। उधर कोटेदार सुभाष वर्मा का कहना है कि राशन कम था इसलिए दिक्कत हुई है, अगले महीने राशन दिया जाएगा। ब्लॉक गोंदलामऊ क्षेत्र में भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में
राम भक्तों ने शामिल होकर जयकारे लगाए। शोभा यात्रा गोपालपुर चौराहे से शिव शक्ति मैरिज लान तक निकाली गई। शोभा यात्रा में सिधौली विधायक मनीष रावत, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर के पुत्र जैकी किशोर, गुंदला मो ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मुनिंद्र अवस्थी, सुरभक सिंह, नीरज सिंह सहित तमाम राम भक्त शामिल हुए। विधानसभा क्षेत्र हरगांव के शाहपुर स्थित प्राचीन देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लेते हुए मंदिर परिसर की बेहतर सफाई की। स्वच्छता अभियान में मंडल अध्यक्ष संतोष मौर्या, मयंक शेखर पांडे, सत्यप्रकाश मिश्रा, आलोक पांडे, मृदुल पांडे, सुनील अवस्थी, नीरज शुक्ला, तरुण मिश्रा, विनोद मौर्या सहित कई कार्यकर्ता शामिल हुए। संपूर्ण समाधान दिवस में डीएम अनुज सिंह ने एसपी चक्रीय मिश्रा के साथ फरियादियों की समस्याओं को सुना। सदर तहसील में डीएम के सामने कुल 38 फरियादी पहुंचे, जिनमें से 7 को मौके पर ही न्याय मिला। एसपी चक्रेश मिश्रा ने पुलिस विभाग से जुड़ी शिकायतों को सुनकर प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए हैं। संपूर्ण समाधान दिवस में सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, एसडीएम सदर ज्ञानेंद्र द्विवेदी, अतिरिक्त मजिस्ट्रेट पंकज सक्सेना, डीएफओ ब्रजमोहन शुक्ला सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। समाधान दिवस के बाद डीएम एसपी ने तहसील परिसर में भंडारे का विधिवत पूजन का शुभारंभ किया। यह आयोजन श्रीराम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में किया गया। भंडारे के दौरान अखंड रामधुन गूंजती रही। इसी तरह अन्य तहसीलों में समाधान दिवस स्थानीय अधिकारियों की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें सिधौली में 22 प्रार्थना पत्रों में से 3, महमूदाबाद में 39 में से 5, बिस्वा में 37 में से 4 शिकायतों का निस्तारण किया गया। तहसील मिश्रिक में 22 में 4, लहरपुर में 56 में से 3, महौली में 28 में से 2 शिकायतें मौके पर निस्तारित कर दी गई। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत अलग अलग क्षेत्रों में आयोजित समारोह में कुल 561 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। महोली के कृषक इंटर कॉलेज मैदान पर 197 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सांसद रेखा अरुण वर्मा, महोली विधायक शशांक त्रिवेदी ने 9 दंपतियों को आशीर्वाद प्रदान किया। सिधौली के गांधी पड़ाव मैदान पर 161 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। समारोह में 7 मुस्लिम जोड़ों का निकाह भी कराया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, सिधौली विधायक मनीष रावत ने 9 दंपतियों को वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी। तंबौर के समारोह में 203 जोड़ों का विवाह संपन्न कराया गया। सांसद राजेश वर्मा ने 9 दंपतियों को आशीर्वाद देकर शुभकामनाएं दी। विस्तृत खबर देखने के लिए आप अपना चैनल आई इंडिया देख सकते हैं। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर कस्बा कमलापुर में विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। कस्बे के प्राचीन राधा कृष्ण मंदिर से शुरू हुई शोभा यात्रा का समापन मित्र भवन कसमंडा पैलेस गेट पर पहुंचकर हुआ। यात्रा का शुभारंभ कसमंडा स्टेट के कुंवर दिनकर प्रताप सिंह ने राम लक्ष्मण सीता हनुमान की आरती और पूजन तिलक करके किया। सभी राम भक्तों को बूंदी का प्रसाद वितरित किया गया। सुरक्षा व्यवस्था की कमान एसओ कमलापुर कृष्ण बलि सिंह, वरिष्ठ उप निरीक्षक अनिल कुमार, कस्बा इंचार्ज पीवी सिंह ने संभाली। शोभा यात्रा में संघ चालक अवधेश शुक्ला, वेद प्रकाश पांडे, राम प्रकाश अवस्थी, शिवशंकर सिंह, अनुपम सिंह, उदय सिंह, बच्चे वाजपेयी सहित क्षेत्र के तमाम राम भक्त शामिल हुए। नगरपालिका लहरपुर को अगर मिनी अयोध्या कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दरअसल रामलला की प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर नगर को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। मंदिरों में श्रीराम नाम संकीर्तन, सुंदरकांड पाठ, जयकारे गूंज रहे हैं। दिलीप मल्होत्रा के द्वारा भव्य सुंदर चित्रों के साथ नगर में शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने हाथों में ध्वजा थाम कर नगर भ्रमण किया। इस दौरान 22 जनवरी को दीपावली मनाने की अपील की गई है। कस्बा अटरिया क्षेत्र के प्राचीन बालेश्वर मंदिर पर स्वच्छता अभियान के तहत सफाई की गई। इस अभियान में केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर, चंद्र प्रकाश सिंह, विनय त्रिपाठी, रमाकांत, गिरजा शंकर वाजपेयी, सुशील मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि अमित मोहन, प्रभात किशोर, जैकी संतोष मौर्या सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए खबरनामा। अब आपके शहर सीतापुर में खुल गया है मिराज सिनेमाज। पीवीआर जैसा मजा मिराज सिनेमाज में। 3 बड़ी स्क्रीन, बेस्ट इन क्लास साउंड, आरामदायक रिक्लाइन सीट्स व 3D मूवीज का भी उठाए लुत्फ। रोजाना 5 शोज, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर। नगर सिदौली के रोडवेज बस स्टेशन पर मारुति सुजुकी की तरफ से एक स्टॉल लगाया गया। स्टॉल में लोगों को नई ग्रैंड विटारा ब्रिजा की खूबियां बताई गई। अधिशासी अधिकारी रेणुका यादव और शालिनी भदौरिया ने ग्रैंड विटारा ब्रिजा का पर्दा हटाकर लॉन्चिंग की। अविनाश भदौरिया ने कार की टेस्ट ड्राइव ली। इस मौके पर कंपनी के अमित श्रीवास्तव, आसिफ मुसीर आदि मौजूद रहे। मुख्य विकास अधिकारी निधि बंसल ने शनिवार देर शाम ब्लॉक सकरन में औचक निरीक्षण किया। ब्लॉक मुख्यालय पहुंचकर सीडीओ ने अधीनस्थों के साथ बैठक की और सरकारी योजनाओं के
क्रियान्वयन की समीक्षा की। इसके बाद उन्होंने ग्राम पंचायत महाराज नगर व मजरा गजनीपुर में लगवाए गए खड़ंजा, गौशाला और तालाब का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी मनरेगा जितेंद्र मिश्रा, बीडीओ सकरण, धर्मेंद्र कुमार सहित ब्लॉक के कर्मचारी मौजूद रहे। स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर शहर में युवा उद्यमिता संकल्प यात्रा निकाली गई। यह यात्रा वैदेही वाटिका से प्रारंभ होकर विभिन्न मार्गों से होते हुए लालबाग शहीद पार्क पहुंची। मुख्य अतिथि स्वावलंबी भारत अभियान के प्रांत समन्वयक अमित सिंह रहे। यात्रा का मुख्य उद्देश्य स्वामी विवेकानंद के उद्यमिता के क्षेत्र में दिए गए विचारों को युवाओं तक पहुंचाना रहा। यात्रा में संपर्क प्रमुख अवध प्रांत अभिषेक सिन्हा, जिला पर्यटन समिति सदस्य अचिन मेहरोत्रा, विष्णु दीक्षित, कृष्ण कुमार, ज्ञानेंद्र कुमार सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। समाजवादी पार्टी के टाउन हॉल स्थित जिला कार्यालय पर बूथ स्तरीय सम्मेलन संपन्न हुआ। सम्मेलन की मुख्य अतिथि सपा महिला सभा की प्रदेश अध्यक्ष रीबू श्रीवास्तव रही। सम्मेलन में आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत करने पर बल दिया गया। सम्मेलन की अध्यक्षता और संचालन प्रदेश सचिव सीतापुर लोकसभा प्रभारी डॉक्टर आशुतोष सिंह यादव ने किया। सम्मेलन में सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल सिंह यादव, लखीमपुर से प्रदेश सचिव अंजलि सिंह, महिला सभा जिलाध्यक्ष सीतापुर ज्ञानवती भार्गव, ममता शर्मा, नीनू गुप्ता, सपा नेता दिग्विजय सिंह देव, पिंकी यादव, अशोक यादव, रामेंद्र यादव, डॉक्टर इस्माइल, राजेंद्र कुमार, शेखर यादव, रामकिशोर गौतम, देवेंद्र यादव आदि मौजूद रहे। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य पर निकाली जाने वाली शोभा यात्रा के संबंध में बैठक संपन्न हुई। नगर पालिका परिषद खैराबाद चेयरमैन प्रतिनिधि अभिषेक गुप्ता बबलू द्वारा आयोजित बैठक में बताया गया कि शोभा यात्रा नगर क्षेत्र में माँ गौरी देवी मंदिर से निकाली जाएगी। यह यात्रा विभिन्न मार्गों का भ्रमण करते हुए कटरा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचेगी। यहां श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। बैठक को महंत बजरंग दास ने भी संबोधित किया। बैठक में सत्य प्रकाश मिश्रा, राकेश त्रिपाठी, राम सुमिरन शर्मा, प्रहलाद कृष्ण शास्त्री, पुनीत सिंह, आनंद अवस्थी, महंत कृष्णाचारी, राजेश मिश्रा, अमित पुरी, अंकुर पुरी, राजू टंडन, विनीत शर्मा, बलराम कृष्ण पांडे आदि मौजूद रहे। जीआरपी द्वारा सीतापुर में आरपीएफ की टीम के साथ भ्रमण कर सघन चेकिंग की गई। प्रभारी निरीक्षक जीआरपी सीतापुर सुनील कुमार, आरपीएफ के एसआई ओम प्रकाश गुज्जर, आरपीएफ के एएसआई अशोक कुमार मिश्रा ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, टिकट काउंटर, सर्कुलेटिंग एरिया तथा स्टेशन से आने वाली ट्रेनों की सघन चेकिंग की। रेलवे स्टेशन के आसपास रेलवे ट्रैक को भी चेक किया गया। चेकिंग के दौरान कोई संदिग्ध वस्तु या व्यक्ति नहीं मिला। अयोध्या में भगवान राम के मंदिर व प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर एक जन जागरण शोभा यात्रा सीतापुर शहर से निकाली गई। लालबाग सहित पार्क में प्राण प्रतिष्ठा समिति द्वारा आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ भगवान श्री राम की पूजा अर्चना से हुआ। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण हनुमान जी की झांकी आकर्षण का केंद्र रहे। हाथों में भगवा ध्वज लेकर राम भक्त जब सड़क पर निकले तो शहर का वातावरण राममय हो गया। विभिन्न मार्गों से होकर यात्रा पुनः लालबाग पार्क पहुंची। यहाँ श्री राम की स्तुति के बाद कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में समिति प्रमुख प्रभात अग्नोत्री, राकेश सेठ, विनय अग्रवाल, आशीष विनीत पांडे, नगर पालिका सीतापुर चेयरमैन नेहा अवस्थी, नमेंद्र अवस्थी चेयरमैन मधुआगंज, अनुराग मिश्रा जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि, शिव कुमार गुप्ता सहित तमाम कार्यकर्ता शामिल हुए। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। जनपद के तहसील मितौली क्षेत्र के ग्राम पंचायत कानाखेड़ा स्थित प्राचीन शिव व राम मंदिर पर आयोजित राम कथा के चौथे दिन श्री राम विवाह प्रसंग का वर्णन किया गया। कथा व्यास पंडित मिथिलेश शुक्ला ने राम विवाह से जुड़े कई प्रसंग सुनाए। प्रसंग सुनकर श्रोता मंत्रमुग्ध हुए। यह आयोजन छुटकऊ गिरी द्वारा कराया जा रहा है। कथा पंडाल में व्यवस्थापक राधेश्याम गिरी, सियाराम गिरी, कैलाश गिरी सहित तमाम श्रोता मौजूद रहे। अयोध्या में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का उल्लास लखीमपुर में भी छाया हुआ है। शनिवार को बिलोबी मैदान से संतों के नेतृत्व में विशाल पदयात्रा शुरू हुई। इस दौरान जय श्री राम के नारों से क्षेत्र गुंजायमान होटा। यात्रा में सदर विधायक योगेश वर्मा, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रचार प्रमुख आचार्य संजय मिश्र, अभिषेक, राजेंद्र, संजीव, अविनाश, सुनील सिंह, राजेंद्र सिंह, नरेंद्र सिंह, राहुल पांडे, उमा शंकर मिश्रा सहित तमाम राम भक्त शामिल हुए। मैगलगंज क्षेत्र के औरंगाबाद कस्बे से एक विशाल शोभा यात्रा निकाली गई। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में निकाली गई शोभा यात्रा में तमाम राम भक्त शामिल हुए। इस दौरान राम भक्तों ने जय श्री राम के नारे लगाए। नारों से समूचा क्षेत्र राममय हो गया। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मैगलगंज इंस्पेक्टर अजय सिंह पुलिस बल के साथ मौजूद रहे। कस्बा खमरिया के एराबाद विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में छात्र छात्राओं ने भगवान राम दरबार की अद्भुत झांकी प्रस्तुत की। झांकी देखकर सभी मंत्रमुग्ध हो गए। दूसरी तरफ पूर्व विधायक बाला प्रसाद अवस्थी के गांव
रायपुर बेलतुआ में विधायक के बेटे राजीव अवस्थी की अगुवाई में निकाली गई शोभा यात्रा आकर्षण का केंद्र रही। दरअसल इस यात्रा में सीएम योगी का बुलडोजर आकर्षण का केंद्र रहा। प्रबंधक मोहन लाल शर्मा, प्रधानाचार्य इसराज अली, पूनम वर्मा, दिव्या आराध्या, अंकिता मिश्रा, राजीव अवस्थी, आनंद किशोर अवस्थी, गिरजा शंकर शुक्ला, सागर अवस्थी, आशुतोष तिवारी आदि मौजूद रहे। जवाहर नवोदय विद्यालय ईशानगर में प्रवेश परीक्षा शांतिपूर्वक संपन्न हुई। इस बार ब्लॉक में एक ही परीक्षा केंद्र बनाया गया था जिसमें 493 प्रवेशार्थी पंजीकृत थे, जिसमें 322 प्रवेशार्थी अनुपस्थित रहे या परीक्षा कक्षा 6 में प्रवेश के लिए BBLC इंटर कॉलेज खमरिया में संपन्न कराई गई। केंद्र व्यवस्थापक डॉक्टर संजीव कुमार मिश्रा, CLO पंकज मिश्रा की देखरेख में यात्रा संपन्न हुई। अयोध्या में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शोभा यात्रा सिंगाही में निकाली गई। शोभा यात्रा दुर्गा माता मंदिर से ढोल नगाड़ों के साथ शुरू हुई। विभिन्न मार्गों पे मंदिरों का भ्रमण करते हुए यात्रा काली मंदिर पहुंची। यात्रा का स्वागत पुष्प वर्षा करके किया गया। यात्रा में आतिशबाजी आकर्षण का केंद्र रही। यात्रा में डॉक्टर MR सेठी, उत्तम सोनी, संजय जैन, प्रेम वाजपेयी, सुनील बत्रा, श्री राम सिंह, रमाकांत जायसवाल, शिशिर गुप्ता, उमाकांत कटियार सहित तमाम राम भक्त शामिल रहे। जरूरतमंदों के लिए कंबलों का वितरण करने का सिलसिला जारी है। नगर पंचायत सिंगाही चेयरमैन शनिवार को नगर भ्रमण किया। इस दौरान ठंड से बचाव के लिए जरूरतमंदों को कंबल वितरित किए। चेयरमैन मोहम्मद कयूम ने विभिन्न वार्डों का भ्रमण कर अलाव की व्यवस्था का भी जायजा लिया। कंबल पाकर जरूरतमंदों के चेहरे पर मुस्कान तैर गई। लखीमपुर शहर के प्रमुख मार्गों, चौराहों, मंदिरों में इस समय भक्तिमय वातावरण बना हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा समारोह को लेकर मंदिर आकर्षण का ढंग से सजाए गए हैं। मंदिरों में रामायण, सुंदरकांड, भजन और राम नाम संकीर्तन गूंज रहे हैं। DM महेन बहादुर सिंह ने SP गणेश प्रसाद साहा के साथ जानकी जीवन संकटा देवी मंदिर का भ्रमण कर व्यवस्थाएं देखी और दर्शन किया। इस दौरान जरूरतमंदों को कंबल भी दिए गए। निघासन तहसील के आवासीय परिसर में स्थित श्री राम मंदिर में अखंड रामायण पाठ का समापन हुआ। यहां तहसील प्रशासन की तरफ से रामायण पाठ का आयोजन किया गया था। यह आयोजन अयोध्या में हो रहे प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंतर्गत संपन्न हुआ। समापन अवसर पर CDO अनिल कुमार सिंह, SDM अश्विनी कुमार सिंह, तहसीलदार भीमसेन सिंह आदि ने मानस की आरती की और उपस्थित लोगों को प्रसाद बांटा। शहर के व्यस्तम एवं लाइफ लाइन कहे जाने वाले संकटा देवी मार्ग पर चल रहे निर्माण कार्य का जायजा DM महेन बहादुर सिंह ने लिया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने मार्ग के किनारे से अतिक्रमण हटवाए जाने को भी कहा। निरीक्षण के दौरान उनके साथ SP गणेश प्रसाद साहा, SDM सदर श्रद्धा सिंह, EO संजय कुमार मौजूद रहे। जिला अधिवक्ता संघ लखीमपुर खीरी में नवीन कार्यकारिणी संगठन के लिए शनिवार को निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न हुई। चुनाव में 1812 अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। मतगणना रविवार को संपन्न कराई जाएगी। संघ का चुनाव निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न कराए जाने के लिए DM महेन बहादुर सिंह ने SP गणेश प्रसाद साहा के साथ लगातार नजर बनाए रखी। और अब खबरें उत्तर प्रदेश से। अयोध्या में राम मंदिर रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद योगी सरकार के तमाम मंत्री भी रामलला के दर्शन करने जाएंगे। बताया जा रहा 1 फरवरी को पूरी योगी कैबिनेट रामलला के दर्शन करने जाएगी। इस दौरान CM योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा उत्सव में पूरा देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इस भव्य समारोह की साक्षी बनेगी। बताया जाता है कि 2 फरवरी को विधानमंडल का बजट सत्र शुरू हो जाएगा। इससे पहले पूरा मंत्रिमंडल रामलला के दर्शन करेगा। माना जा रहा है योगी सरकार 5 या 6 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट पेश कर सकती है। लोकसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने पूर्व सांसदों एवं पूर्व विधायकों के साथ लखनऊ स्थित सपा कार्यालय में बैठक की। इस दौरान अखिलेश यादव ने कहा कि सभी सपा नेता मतदाताओं के वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने का काम पूरा कर लें। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन और BJP ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ी की है, इसलिए जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटे हैं उनके नामों को फिर से शामिल करा दिया जाए, क्योंकि अब नई वोटर लिस्ट 23 जनवरी को आएगी। बैठक में चुनाव के कई बिंदुओं पर चर्चा की गई है। इस मौके पर राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव, बलराम यादव, प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल सहित कई बड़े नेता मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मिराज सिनेमास, पहली मंजिल पेंगुइन टावर, हरदोई रोड, सीतापुर।